गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा अटेंटिव रहें क्लास में। आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आर टाइम। द फर्स्ट टॉपिक जो कि है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैन बी डिफाइंड एज अ सर्ज इन द एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इन द इकोनॉमी। इट इज़ अ मैक्रो कॉन्सेप्ट वेयर इन द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज सीन ओवर अ लार्ज बास्केट ऑफ गुड्स। तो अब इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति होती है किसी भी इकोनॉमी में जब गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं उसके प्राइस बढ़ने लग जाते हैं। और इसका सबसे जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि जब कंट्री में या इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब अक्सर इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। सो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि अब बहुत लूज मनी पॉलिसी है, लोन्स बहुत आसानी से मिल रहे हैं, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहे हैं, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन्स लेंगे और लोगों के हाथ में लिक्विडिटी बहुत रहेगी। तो जो चीज़ मार्केट में 10 रुपये की मिल रही है लोग उसके 12 रुपये भी देने को तैयार हो सकते हैं। हो सकता है कोई एक और व्यक्ति आ जाए जिसको इस प्रोडक्ट की उससे भी ज़्यादा ज़रूरत हो तो बोलेगा कि मैं 13 रुपये में ये प्रोडक्ट ख़रीदने को तैयार हूँ। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेज हैं वो महंगे होते जाएंगे। और रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेन जो रीज़न है, जब बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाता है इकोनॉमी में तब ऐसी स्थिति अक्सर पैदा हो जाती है। अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज दैट वैल्यू ऑफ मनी इज रिड्यूस्ड, दैट इज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज रिड्यूस्ड। और वो कैसे कि मान लीजिए पहले 1 किलो आम अगर 40 रुपये में आ जाता था क्योंकि अब महंगाई बढ़ गई है और यही आम अब 50 रुपये किलो बिकने लग गया है मार्केट में, तो मनी की वैल्यू, परचेजिंग वैल्यू जो है वो घट गई है। क्यों? क्योंकि अब 40 रुपये में 1 किलो आम नहीं आता है, अब उसके लिए हमें 50 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो इसलिए मनी की परचेजिंग जो पावर है वो कम हो जाती है इन्फ्लेशन की स्थिति में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है डिफ्लेशन का। अब डिफ्लेशन क्या होता है, एक बार पहले स्लाइड पढ़ते हैं फिर समझेंगे। व्हेन द ओवरऑल प्राइस लेवल डिक्रीजेस सो दैट इन्फ्लेशन रेट बिकम्स नेगेटिव इट इज़ कॉल्ड डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन तो क्या होता है, जब प्राइस बढ़ रहे हैं इकोनॉमी में, और डिफ्लेशन क्या होता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस गिरने लग जाएं। पहले इन्फ्लेशन की स्थिति में प्राइजेस बढ़ रहे थे और अब डिफ्लेशन की स्थिति में यही प्राइजेस जो हैं ये घटने लग जाएंगे। और इसका रीज़न जो है डिफ्लेशन का वो क्या है कि जब सप्लाई है करेंसी की वो बहुत कम हो जाती है इकोनॉमी में, तो अगर मार्केट में ऐसा सिनारियो है कि जो शॉपकीपर्स हैं, सेलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, उनको पता है कि मार्केट में मनी सप्लाई कम है, हम जब तक डिस्काउंट नहीं देंगे या प्रोडक्ट्स के प्राइजेस को कम नहीं करेंगे लोग हमसे ख़रीदारी करने नहीं आएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब वो प्राइजेस कम हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के, तो ऐसी सिचुएशन को हम डिफ्लेशन कहते हैं। और इसका रीज़न मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जब करेंसी सप्लाई कंट्री में कम हो जाती है, इकोनॉमी में कम हो जाती है, तो प्राइजेस को गिराना पड़ जाता है सेलर्स को, सो दैट लोग उसको अफोर्ड कर सकें और ख़रीदारी बरकरार रहे। और एक और रीज़न क्या है, द अदर रीज़न कुड बी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाती है जिस जो पहले प्रोडक्ट 10 रुपये में बनता था अब उसको वो 8 रुपये में बना देती है। क्यों? क्योंकि अब हम बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो अगर पूरी इकोनॉमी में ओवरऑल लेवल पे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है तो क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बहुत घटने लग जाएंगे, चीपर हो जाएंगे उनके प्राइजेस। तो इससे क्या होगा कि सिटीजन्स को जो है या कंज्यूमर्स, उनको तो फ़ायदा होगा क्योंकि एडवांस प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और चीप प्राइस पे या कम प्राइस पे, लेकिन जो ओवरऑल इफेक्ट आता है इकोनॉमी का पे वो होता है डिफ्लेशन का। मतलब ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस कम होने लग जाते हैं डिफ्लेशन में। सो आई होप अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इन्फ्लेशन क्या है और डिफ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ रहे थे और वो कब हो रहा था, जब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी इकनॉमी में। डिफ्लेशन में प्राइजेस कम होने लग जाते हैं, जो सप्लायर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, वो प्राइजेस कम कर देते हैं प्रोडक्ट्स के ताकि लोग प्रोडक्ट्स खरीदें, और वो ये जो डिस्काउंट्स हैं या प्राइजेस स्लैश कब करते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि मार्केट में मनी सप्लाई नहीं है, लोग आसानी से खर्च नहीं करेंगे, उनको अट्रैक्ट करने के लिए हमको डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे या प्रोडक्ट्स के प्राइजेस कम करने पड़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डिसइन्फ्लेशन का।
डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है ये भी देखेंगे। पहले हम डिसइन्फ्लेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिसइन्फ्लेशन इज़ यूज टू डिस्क्राइब द स्लोइंग ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन, इन अदर वर्ड्स इट इज़ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मान लीजिए पहले इन्फ्लेशन जो है वो 2% से बढ़ रहा था, धीरे धीरे 3% से बढ़ रहा था, तो अगर कुछ टाइम बाद जो ये इन्फ्लेशन के बढ़ने का रेट है वो कम हो जाए उसको डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन में क्या था कि गुड्स जो थे वो चीप हो रहे थे, सस्ते हो रहे थे। डिसइन्फ्लेशन में ऐसा नहीं होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस चीपर हो जाएंगे। डिसइन्फ्लेशन ये बताता है कि जिस रेट से गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ रहे थे वो अब कम हो गई है। पहले अगर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस 3% से लगातार बढ़ रहे थे या 4% से बढ़ रहे थे, अब वो शायद 1 या 1.5% से बढ़ रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी फ्रेंड्स, डिसइन्फ्लेशन क्या बताता है कि जिस रेट से या जिस दर से प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे वो कम हो गई है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ नहीं रहे हैं, बढ़ रहे हैं लेकिन कम रेट से बढ़ रहे हैं। द टर्म शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद डिफ्लेशन विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट। भाई नेगेटिव इन्फ्लेशन क्या हो गई, मतलब प्राइजेज अब घट रहे हैं। डिसइन्फ्लेशन में प्राइजेज बढ़ेंगे लेकिन अब कम रेट से बढ़ेंगे। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर इन्फ्लेशन इंक्रीज एट अ स्लोअर रेट। इन्फ्लेशन इज कॉज बाई इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकनॉमी, देयर फॉर अ स्लो डाउन इन द इकनॉमीज मनी सप्लाई थ्रू अ टाइटर मनी पॉलिसी इज एन अंडरलाइंग कॉज ऑफ डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का कॉज भी पढ़ा चुकी हूँ, टाइट मनी पॉलिसी, इन्फ्लेशन का कॉज भी पढ़ चुके हैं, लूज मनी पॉलिसी। इन सम केसेज अ स्लो डाउन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैन ऑल्सो अराइज ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन। फॉर एग्जाम्पल इन अ रिसेशन बिजनेस में रिफ्रेन फ्रॉम इंक्रीजिंग देयर प्राइस लेवल टू गेन मोर कस्टमर्स। तो इस वजह से डिसइन्फ्लेशन होता है। मान लीजिए अगर इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे और अपने प्राइस के लेवल को फटाफट नहीं चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ऑलरेडी हमारे पास लोग नहीं खरीद रहे हैं, अगर हमने बढ़ा दिया और प्राइस तो कस्टमर्स हमारे से प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में होता है डिसइन्फ्लेशन। कंसेप्ट पे जो कि है रिफ्लेशन। अब रिफ्लेशन क्या है? रिफ्लेशन एक ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो कि गवर्नमेंट द्वारा यूज़ किया जाता है या सेंट्रल बैंक द्वारा यूज़ किया जाता है इकनॉमी में फिर से इन्फ्लेशन लाने के लिए या प्राइस लेवल बढ़ाने के लिए। मान लीजिए कि इकनॉमी में रिसेशन आ गया और प्राइजेस गुड्स एंड सर्विसेज के बहुत ज़्यादा घट गए हैं और वो इतने घट गए हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या अपने एक्सपेंसेस निकालने में भी दिक्कत हो रही है। तो और ऐसी सिचुएशन पूरे इकोनॉमी में प्रिवेल कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल बैंक कुछ ऐसे मेजर्स लेगी सो दैट जो प्राइजेज हैं इकनॉमी में वो बढ़ जाएँ गुड्स एंड सर्विसेज के। तो ये एक डेलिब्रेट अटैम्प्ट होता है सेंट्रल बैंक द्वारा टू इंक्रीज द प्राइज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। So reflation is a monetary or fiscal policy by the government and central bank respectively to boost the demand and thus increase the level of economic activity and combat deflation. Deflation कब हो रहा था? जब recession आ रहा था और prices बहुत ज़्यादा घट गए थे। मैंने बताया था कई बार आपने ऐसी स्थिति देखी होगी कि टमाटर और प्याज के भाव 6 रुपये किलो या 5 रुपये किलो तक आ जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कितना सस्ता है, इससे फार्मर्स की कॉस्ट क्या निकल पा रही है? नहीं, ऐसा नहीं होता, वो बेचारे लॉस में बेच रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट्स। तो इस स्थिति को इकोनॉमी को स्थिति से वापस उभारने के लिए जो सेंट्रल बैंक है कुछ मेजर्स लेती है और वो क्या मेजर होते हैं? एक तो लोन को सस्ता कर देगी, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो गिर जाएगा। इजी मनी पॉलिसी, मतलब कोशिश करेगी कि लोगों के हाथ में पैसे बढ़ जाएं, लिक्विडिटी बढ़ जाए इकनॉमी में। और कैसे होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा के, टैक्स रेट को कम करके, या टैक्स रेट कुछ टाइम के लिए माफ़ कर, टैक्सेस कुछ टाइम के लिए माफ़ करके, इन्वेस्टिंग इन लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों के हाथ में सैलरी आएगी, लोग फिर से कंजम्पशन स्टार्ट करेंगे, मार्केट में स्पेंडिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये सब कुछ मेजर्स लिए जाते हैं रिफ्लेशन को रेक्टिफाई या हमारी इकोनॉमी को रिफ्लेशन से उभारने के लिए। चलते हैं और हमारे आज के लास्ट टॉपिक से के बारे में, जो कि स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जब इन्फ्लेशन
और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों बहुत पीक पे होता है। तो यूजुअली क्या होता है फ्रेंड्स, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो साथ साथ एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता है, ना कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। लेकिन स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इन्फ्लेशन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट दर भी बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी दर। तो इन्फ्लेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट दर कैसे बढ़ता है, वो ऐसे जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है इकनॉमी में, इकनॉमी ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी पे, ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी पे है, तो हर मैन्युफैक्चरर इसी उम्मीद से और प्रोडक्शन करता है कि इकनॉमी में ग्रोथ है, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा है तो हमको और ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए। जब वो और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो बहुत जाहिर सी बात है कि वो और लेबर को अपने यहाँ पे एम्प्लॉय करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ता है इकनॉमी में। बट स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है कि जो इकनॉमी में स्टैगनेशन या स्टैगनेंसी आ जाती है, इन्फ्लेशन भी बढ़ जा रहा है साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रहा है इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेवल। सो स्टैगफ्लेशन इज इकोनॉमिक सिनेरियो वेयर इकोनॉमी फेसेस बोथ हाई इन्फ्लेशन एंड लो ग्रोथ and as well as high unemployment. The most common reason is when the government prints currency. It can also occur when central bank's monetary policy creates credit. Both the things increase the money supply and create inflation. इसका बहुत बड़ा एक ये रीज़न है कि गवर्नमेंट ने अचानक ही बहुत ज़्यादा नई करेंसी प्रिंट कर दी। नई करेंसी प्रिंट करने से या न्यू करेंसी प्रिंट करने से लिक्विडिटी जो है मार्केट में बढ़ गई है, जिस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन तो बढ़ गया है लेकिन साथ साथ ग्रोथ नहीं बढ़ी है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन लेवल जो है इकनॉमी में वो नहीं बढ़ा है, तो इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ी है लेकिन ग्रोथ नहीं बढ़ी। ग्रोथ वहीं पर स्टैगनेंट है और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी स्टैगनेंट है या नीचे घट गया है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति होती है जहां इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। किस वजह से? क्योंकि गवर्नमेंट ने नई करेंसी प्रिंट करी है या फिर जो सेंट्रल बैंक है वो उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट या लोन क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में। लोन क्रिएट होने से तो एकदम से ग्रोथ नहीं बढ़ रही और इस वजह से बहुत स्टैगनेंसी आ गई है इकनॉमी में। एट द सेम टाइम इफ द गवर्नमेंट फॉलो पॉलिसीज़ दैट स्लोज द ग्रोथ लाइक इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट टैक्सेस या फिर कुछ ऐसे मेजर्स जिससे कर्टेल हो रहे प्रोडक्शन, या तो ये रीज़न हो या फिर गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आई हैं जिससे जो प्रोडक्शन है उसको प्रोत्साहन मिलने की जगह वो कर्टेल हो रहा है, कम हो रहा है, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है प्रोडक्शन में, तब भी क्या होगा? ग्रोथ घटेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ ही रहा है क्योंकि लूज मनी सप्लाई है इकनॉमी में। तो ऐसी स्थिति में स्टैगफ्लेशन अराइज होता है ओवरऑल इकनॉमी में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने 5 नए कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। फर्स्ट हमारा इन्फ्लेशन, फिर डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रीफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन। इन 5 को प्लीज़ फिर से एक बार रिवाइज़ कीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये काफ़ी टेक्निकल है और एक इसमें कन्फ्यूजन अक्सर हो जाती है, और ख़ास करके डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में। डिसइन्फ्लेशन क्या है मैं आपको फिर से यहाँ पर रिवाइज़ करा देती हूँ। जिस रेट से महंगाई दर बढ़ रहा है वो घट गया है, महंगाई बढ़ रही है लेकिन अब कम रेट से बढ़ रही है। और जो डिफ्लेशन है वो इन्फ्लेशन को ऑपोजिट होता है। डिफ्लेशन में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ने की जगह अब घटने लग जाते हैं। बाकी जो हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट था रीफ्लेशन, ये मेजर्स लिए जाते हैं सेंट्रल बैंक द्वारा इकोनॉमी में फिर से इन्फ्लेशन या प्राइजेज जो हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, उनको रेक्टिफाई करने के लिए, उनको फिर से बढ़ाने के लिए। और लास्ट कॉन्सेप्ट था हमारा स्टैगफ्लेशन, जिसमें इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं बढ़ रहा, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रहा है, इकोनॉमी में स्टैगनेशन या स्टैगनेंसी आ रही है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। इसको प्लीज़ और प्लीज़ फिर से रिवाइज़ कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट था। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टे एट होम, स्टे फिट, स्टे फाइन एंड प्लीज़ डू कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच।